सोलन में बंदरों की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे एक ओर जहां शहरवासी परेशान है, वहीं दूसरी ओर बंदरों ने किसानों के भी नाक में दम कर दिया है। शहरों में बंदरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का शहर में चलना मुश्किल भरा हो चला है। बंदर इतना उत्पात मचाते हैं कि घरों की खिड़कियां दरवाजे हमेशा उनके डर से बंद रखने पड़ते हैं, जिसके चलते बंदर तो खुलेआम घूम रहे हैं और शहरवासी घरों में कैद रहने को मजबूर हो चुके हैं। शहरवासियों और किसानों का कहना है कि बंदरों की बढ़ती संख्या पर जल्द रोक लगानी चाहिए, अन्यथा सोलन में रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बंदरों के डर से छोटे बच्चों को वो ना घर में अकेला छोड़ सकते हैं और ना ही उन्हें खेलने के लिए जाने दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि कपड़े धोकर बाहर सुखाने भी नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि बंदर कपड़े उठाकर ले जाते हैं। किसानों की माने तो किसान बंदरों के डर से खेती तक नहीं कर पा रहे हैं। बंदर गोभी टमाटर की खेती को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेहद नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे सोलन शहर में बंदरों की समस्या बहुत है और इससे कई किसानों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे कि घरों में घुस जाते हैं और इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। फसलों में नुकसान हो रहा है, जैसे कि हमारे टमाटर गोभी वगैरह ये सारे बिखेर देते हैं, जिससे कि किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रशासन से हमारे से ये उम्मीद है कि हमें कोई मुआवजा या इनको कहीं छोड़ा जाए, बंदरों को छोड़ा जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो आजकल सोलन शहर में बंदरों की समस्या बहुत बढ़ गई है। बंदरों ने आतंक अपना फैला दिया है, ये घरों के अंदर घुस जाते हैं, हमारी जितने भी रसोई घर है उसमें जाके उछल कूद करते हैं और अपना खाने पीने का सामान ले जाते हैं। हमारे बाहर जो कपड़े कुपड़े लटके होते हैं वो सब भी ये उठा के ले जाते हैं अपने साथ, और जी बड़ा दुखी कर दिया इन बंदरों ने। हमारी ये विनती है प्रशासन से कि इन पे थोड़ा पाबंदी, इनको ज़रा पकड़ा जाए और इनको कहीं दूर जाके छोड़ दिया जाए, ताकि हम शांति से जी सके अपने घरों में। बंदरों का आतंक सोलन शहर में बहुत बढ़ चुका है और इससे हम ना कपड़े कुपड़े सुखा पा रहे बालकनी में जाके, तो खतरा ही बहुत है इन बंदरों से। और बाकी सरकार से ये है कि इन बंदरों का कुछ किया जाए और इन्हें जंगल में जाके छोड़ दिया जाए, कि ताकि हमें नुकसान ना हो।